ये है नेटवर्क 33। नेटवर्क 33 में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है अशद खान जी ने। तो सबसे पहले अशद खान जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद अपनी चाचा जी की कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है पंडित धर्मवीर। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये उन दिनों की बात है जब मेरे चाचा जी की शहर में दुकान हुआ करती थी और वो अपना आना जाना इकलौती गाड़ी यानी एटलस साइकिल से किया करते थे। यूं तो वो पुरानी एटलस साइकिल किसी कबाड़ से कम नहीं थी, मगर चाचा जी को ना जाने कौन सा मोह था उस साइकिल से कि वो उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। अक्सर उनकी साइकिल की चैन उतर जाया करती थी और ऐसा भी नहीं था कि उन्होंने अपनी इस समस्या का समाधान नहीं खोजा हो, मगर ये समस्या जो कि त्यों ही बनी रही। अब तो ऐसा लगता था कि उन्हें साइकिल की चैन चढ़ाने में मजा आने लगा था, जिस बात को लेकर मैं अक्सर उन्हें चिढ़ाया भी करता था। एक सुबह वो अपनी दुकान पर बहुत व्यस्त थे। ग्राहकों से घिरे होने के कारण उन्हें ना तो सुबह का नाश्ता करने की फुर्सत मिली और ना ही लंच करने की। रात के तकरीबन 9:30 बजे कहीं जाकर ग्राहकों का आने जाने का सिलसिला खत्म हुआ। चूंकि अब तक रात काफी हो चुकी थी तो उन्होंने जल्दी से दुकान बढ़ाई और वो घर के लिए निकल गए। घर लौटते वक्त उनकी साइकिल की चैन बार बार उतरे जा रही थी और अब चाचा जी थोड़ा पैनिक होने लगे थे। जहां एक ओर चाचा जी को घर पहुंचने की जल्दी हो रही थी ताकि वो पेट पूजा कर सके, तो वहीं उन्हें अब उतनी ही देरी हो रही थी। रास्ते के बीचों बीच एक बार फिर उनकी साइकिल की चैन उतर गई। चाचा जी एक बार फिर साइकिल की चैन चढ़ाने के लिए साइकिल से उतरे। अभी वो बड़बड़ाते हुए साइकिल की चैन चढ़ा ही रहे थे कि उनकी नज़र सड़क के किनारे बैठी एक बुढ़िया पर गई जो शायद कुछ बेच रही थी। चाचा जी ने साइकिल की चैन को चढ़ाते हुए उससे पूछा भी, क्या अम्मा इतनी रात गए यहाँ क्या बेच रही हो? मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। चाचा जी ने एक बार फिर आवाज दी, अरे अम्मा तुम्ही से कह रहा हूँ, क्या बेच रही हो? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब चाचा जी अपनी साइकिल की चैन चढ़ा चुके थे। साइकिल की चैन चढ़ाने के बाद चाचा जी उस अम्मा के पास गए ये जानने के लिए कि आखिर ये वृद्ध महिला इतनी रात गए इस सुनसान रास्ते पर कर क्या रही है। जब वो उस बुढ़िया के पास गए तो उनकी नज़र उस बुढ़िया के आगे मूंगफली से भरी एक टोकरी पर गई। उस टोकरी को देखते ही चाचा जी ने उस बुढ़िया से पूछा, अरे अम्मा इतनी मूंगफली कहाँ से लाई हो? क्या करोगे इन सब मूंगफलियों का? ये कहते हुए वो कुछ मूंगफली उठाने के लिए टोकरी की ओर झुकी रहे थे कि वो बुढ़िया झटके से उठ खड़ी हुई। तभी मूंगफली लेते वक्त चाचा जी की नज़र उस बुढ़िया के उल्टे पैरों पर पड़ी। चाचा जी उसके उल्टे पैरों को देखकर सदमे में थे, मगर वो उस बुढ़िया को ये नहीं जताना चाहते थे कि वो सब कुछ जान चुके हैं कि वो एक चुड़ैल है। वो अपने चेहरे का बिना भाव बदले उठे और उस बुढ़िया से कहा, ये मूंगफली तो कुछ कच्ची लग रही है अम्मा, नहीं तो मैं कुछ ले लेता इनमें से। ये बोलते हुए वो साइकिल पर सवार हुए और वहां से तुरंत ही निकल गए। कुछ आगे जाते ही उनकी साइकिल की चैन फिर से उतर गई, मगर वो अब इतने डरे हुए थे कि उन्होंने साइकिल की चैन चढ़ाने की जगह वो साइकिल को लेकर ही दौड़ने लगे, जिस वजह से वो तुरंत ही थक गए। अब उनसे चला भी नहीं जा रहा था कि तभी उन्हें एक बैलगाड़ी वाला उसी रास्ते पर जाते हुए दिखा। उन्होंने चिल्लाते हुए उस बैलगाड़ी वाले को रुकने के लिए कहा। वो बैलगाड़ी वाला भी उनकी आवाज़ सुनकर वहीं रुक गया। उस बैलगाड़ी में बैठने के बाद चाचा जी को थोड़ी राहत मिली, मगर वो अभी भी बेहद घबराए हुए थे। फिर थोड़ी देर बाद उस बैलगाड़ी वाले ने चाचा जी से पूछ ही लिया, क्या बात है इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? फिर चाचा जी ने उस बैलगाड़ी वाले को सब कुछ बता दिया। चाचा जी की बातें सुनने के बाद उस बैलगाड़ी वाले ने हंसते हुए कहा, आप भी खामा खाओ डर रहे हैं, वो मूंगफली बेचने वाली बुढ़िया और उसका पति अक्सर इस रास्ते पर दिख जाते हैं, मगर वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते।
इस पर चाचा जी ने कहा, पति मगर वो तो अकेली ही थी। फिर उस बैलगाड़ी वाले ने आगे बताया कि हाँ, उसका पति जो बैलगाड़ी चलाता है। वो बैलगाड़ी वाला बता ही रहा था कि चाचा जी की नज़र उस बैलगाड़ी वाले के उल्टे पैरों पर गई। चाचा जी को ये समझते देर नहीं लगी कि ये उसी बुढ़िया का पति है। चाचा जी उसी वक्त चलती बैलगाड़ी से कूद गए और भागते हुए घर पर आके ही रुके। उस रात उन्हें काफ़ी तेज बुखार भी चढ़ गया, साथ ही उन्हें उनके साइकिल के खोने का दुख भी था। खैर अब चाचा जी एकदम ठीक है और अब वो बाइक चलाते हैं। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो आप हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्दी मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।